हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 एवं 4.2 को हमने हल किया था और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। एक्सरसाइज 4.1 में केवल हमको द्विघात समीकरण के बारे में चेक करना था या पहचान करना था कि दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरे एक्सरसाइज में हमने देखा था कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि द्विघात समीकरण को इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि द्विघात समीकरणों के अस्तित्व के बारे में देखेंगे, उसके मूलों के अस्तित्व के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अन्य प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिविजन करते हैं। पहले चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम था केवल ये चेक करना था कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे हम मान ले कि हमको कोई समीकरण दिया गया हो x+2 * यहाँ पे दे दिया गया x+3 और = 5 * x+4 हो, तो कह दे कि बताइए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस x को लेकर के दूसरे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे x+3 से, और उसके बाद +2 को लेंगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे x+3 में, और ये हमारा हो जाएगा 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे x+4 में। तो यहाँ पे x में x से गुना करें तो ये हो जाएगा x²+x में 3 से गुना करें तो ये हो जाएगा 3x, +2 में x से गुना करें तो ये हो जाएगा 2x, आप +2 में 3 से करें तो ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 5x हो जाएगा हमारा, 5 में x है तो 5x, 5 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा 20। अभी समीकरणों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x²(3x+2x) हो जाएगा, ये हमारा 5x हो जाएगा, +6 है तो +6, इन दोनों पद को ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो इधर 5x प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा -5x, और ये +20 है तो इधर आएगा तो -20 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x², और ये 5x और -5x हो जाएगा कैंसल, और ये हमारा 6 प्लस में है और -20 है, तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो -14 हो जाएगा = 0। तो देखिए दिया गया समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये जो था इस प्रकार का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में था। आप सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से सिंप्लीफाई किए होंगे और लास्ट में जो हमारा जो सरल रूप जो आता होगा इसके महत्तम घात को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर इस समीकरण का महत्तम घात 2 है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अगर इसका महत्तम घात 1 हो, 3 हो, 4 हो या अन्य कोई संख्या हो तो हम कहेंगे कि यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के एक क्वेश्चन को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का फिर से पुनर्भ्यास करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्या देखे थे कि जो भी द्विघात समीकरण था उस सबको गुणनखंड विधि द्वारा उसके मूल ज्ञात करना था। जैसे हमारे पास कोई समीकरण हो 2x²+x हो, -6 = 0 हो, कहे कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करें, मतलब x का दो वैल्यू निकालेंगे वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं कि x² के गुणांक 2 से गुना कर देंगे अचर पद 6 में, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके मध्य पद में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर हमको 12 आ जाए, या जोड़े या घटाए तो 1 आ जाए।
तो इसको पता करने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 2 3। अब इसको पेयर लगाएंगे, जिसको जोड़ने पर हमको 1 आ जाए या घटाने पर 1 आ जाए। तो स्वाभाविक तौर पर है कि किसी भी तरीका से जोड़िएगा तो 1 से बड़ी संख्या होगा, तो हमको घटाने वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 कर देंगे और 4 3 12 हो जाएगा ये। तो हम लोग क्या करें, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 x हो जाएगा, और 4 3 7 जोड़ेंगे तो जोड़ने से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x² प्लस 1 को लिखेंगे 4 - 3, जो कि 2 दूनी के 4 और 3 में ब्रेक कर रहा है, एन टू एक्स है तो एक्स -6 = 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2x² प्लस एक्स को पहले लिखते हैं, और ये हो जाएगा 4 - 3 -6 = 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि 2x² प्लस एक्स में 4 से तो ये हो जाएगा 4x, और एक्स में -3 से तो -3x, और -6 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, दो दो पद से कॉमन कर देते हैं, तो इन दोनों में 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों में एक्स भी अवेलेबल है तो एक्स भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, 2x² में से 2x बाहर निकाल देंगे तो ये एक्स बच जाएगा। यहाँ से 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, एक्स बाहर निकल गया। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, -3 को कॉमन कर दे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस यहाँ पे रख देंगे प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, आ 6 में 3 से भाग लेंगे तो ये हो जाएगा 2 = 0। हम देखिए कॉमन करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे x+2, आ यहाँ पे लिख देंगे इसको मिला करके 2x - 3 = हो जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा x+2 को 0 के बराबर कर देंगे, इधर 2x - 3 को 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2, चूंकि प्लस में है इसको पक्षांतरित करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x² हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो दिए गए समीकरण के दो मूल, एक जो है x बराबर -2 है और एक जो है x बराबर है 3/2। तो ये रहा हम लोग का रिविजन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व के बारे में चेक करेंगे, और उसके बाद जो भी द्विघात समीकरण हैं उसको एक नए विधि, जिसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं, उसके द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मूलों के अस्तित्व के बारे में। तो हम लोग जो जानते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के अस्तित्व के बारे में, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व के बारे में चेक करने के लिए पहले हम लोग उसका विवेचक निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0।
तो द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक नए टर्म विवेचक का उपयोग करेंगे, विवेचक के। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं विवेचक निकालेंगे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को, और विवेचक को कभी कभी विविक्तकर भी कहा जाता है, विविक्तकर, विविक्तकर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को संक्षेप में डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकाल सकते हैं, जहाँ पे बी को कहते हैं एक्स का गुणांक, ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी को कहते हैं अचर पद। जैसे यहाँ पे कोई समीकरण हो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पे हमारा ए का मान जो हो जाएगा थ्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं तो ए का मान थ्री हो गया। उसके बाद हमारा बी, तो एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं बी, तो एक्स का गुणांक है पाँच तो बी का मान हो जाएगा पाँच, और अचर पद है यहाँ पे दो तो सी का मान हो जाएगा दो। तो इसका अगर हम लोग को विवेचक निकालना हो तो डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी है तो डी, बी का वैल्यू है पाँच तो पाँच का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू है थ्री और सी का वैल्यू है टू, तो डी बराबर हो जाएगा ये पच्चीस माइनस चार तीन बारह और बारह दूना चौबीस हो जाएगा, तो हम लोग डी बराबर क्या जानते हैं वन। तो दिए गए समीकरण, दिया गया जो हमारा ये समीकरण है इसका विवेचक कितना आया, एक आया। तो इसी प्रकार से किसी भी समीकरण का हम लोग विवेचक निकालने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि दिए गए समीकरण का जो मूल है उसका अस्तित्व है या नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग जो जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप अभी लिखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हम लोग विवेचक का फार्मूला लिखे थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो किसी भी समीकरण का विवेचक हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमने अभी देखा था कि विवेचक किस प्रकार से निकाला जाता है किसी भी समीकरण का। तो यदि हम विवेचक का मान निकालें और डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, विवेचक का मान निकालने पर डी का मान जीरो से बड़ा हो, जैसे एक दो चार पाँच छ या प्लस में कोई भी संख्या आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूल का अस्तित्व होगा या मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। यदि डी इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो भी हम लोग क्या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और यहां से आ जाए डी लेस देन जीरो, मतलब डी का मान जीरो से छोटा हो, जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव या कोई भी संख्या है जो ऋणात्मक में है, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कभी कभी बुक में क्या होता है कि इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर देता है एक में, और इन दोनों कंडीशन को मिला के लिख सकते हैं क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन को, क्योंकि इस दोनों परिस्थिति में क्या है मूल का अस्तित्व है, तो दोनों कंडीशन को एक के में मर्ज कर दिया जाए तो क्या हो जाए d ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब d का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे वो हमारा वास्तविक संख्या आएगा, रियल नंबर आएगा, और यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो अवास्तविक संख्या होगा। तो हम लोग चेक करते हैं दो तीन क्वेश्चन के बारे में कि किसका किसका अस्तित्व है और किन किन द्विघात समीकरणों का अस्तित्व नहीं है।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, 9x² + x - 2 = 0 हो और कहे कि दिए गए समीकरण को बताएं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके मूलों के अस्तित्व को जब चेक करना पड़ेगा तो हम लोग इसके गुणांक को लिखेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 9, x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, तो 9 हो गया। उसके बाद b, b को कहते हैं x का गुणांक, तो x के गुणांक के जगह पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो b = 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, अचर पद हो जाएगा -2। तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो d = b का वैल्यू 1² - 4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -2। तो d = हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 चौके 36, दूनी की ये हो जाएगा 72। तो d = कितना आया, 73। तो यहाँ पे देखिए, तो d > 0 है, मतलब d का मान 0 से बड़ा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 0 से जब 12 है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण समीकरण 9x² + x - 2 के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं क्या, कि 2x² + 3x + 9 = 0 हो और कहे कि बताइए कि दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा 2, उसके बाद b का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग d = क्या जानते हैं, विवेचक का जो फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। तो d = b का वैल्यू है 3, तो 3² - 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 9। तो d = हो जाएगी 9 और माइनस हो जाएगी 4 दूनी के 8, 8 9 हो जाएगा 72, 72। तो d = कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 63। इसको माइनस करेंगे तो 63 हो गया माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि d < 0, मतलब d का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है तो ये 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं कौन सी, समीकरण समीकरण 2x² + 3x + 9 के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बना। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 में एक नंबर क्वेश्चन में जो भी प्रश्न दिया है, पहला तो यही कह रहा है कि दिए गए समीकरण को ज्ञात करें कि किस किन किन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है। यदि उनके मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के मूलों के अस्तित्व को चेक कर लेंगे, ताकि अगले वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को अलग करने में सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे कि किनके मूलों का अस्तित्व है। और जिन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होगा उन्हीं समीकरणों को हम हल करने का प्रयास करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।